गुजरात के अहमदाबाद में 19 नवंबर की रात को अचानक ही सड़कों पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। अफवाह ये थी कि शहर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, जो शुक्रवार यानी 19 नवंबर की रात 9 बजे से शुरू होगा और सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद लोग बाजारों में जरूरी सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़े। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अहमदाबाद के बाजारों में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। दरअसल अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 57 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन गलतफहमी के चलते अहमदाबाद में लंबा लॉकडाउन लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद खुद राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं लोगों को इस तरह परेशान होते देख गुजरात के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने भी कर्फ्यू वाली बात को साफ करते हुए ट्वीट किया कि देर रात कोरोना स्थिति की समीक्षा की गई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि पूर्ण कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक अहमदाबाद शहर में लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इनमें दवा और दूध की दुकानें मुख्य रूप से खोली जाएंगी। इसके अलावा अहमदाबाद के लिए 300 डॉक्टर, 300 मेडिकल छात्र और 20 अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, ताकि कोविड मरीजों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से अहमदाबाद के स्कूलों को खोलने का फैसला किया था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 57 घंटे के कर्फ्यू लगने के बाद उन्होंने स्कूल खोलने का फैसला रद्द कर दिया। गुजरात में कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 192,982 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कुल 3,830 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। अगर वहीं हाल फिलहाल के कोरोना मामलों की बात करें तो 6 से 19 नवंबर के बीच 15,546 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिस बीच 86 लोगों की मौत हुई है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारें आए दिन लोगों को सचेत कर रही हैं। हमारी भी गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही जारी गाइडलाइंस का पालन करें और इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।